विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा हम सबके घर अब आने ही वाले हैं, इसी खुशी में तो चलिए बनाते हैं गणपति बाप्पा के लिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी फ्रेश कोकोनट की बर्फी, जिसको आप लड्डू या मोदक के शेप में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और इतनी डिलिशियस कि क्या बताऊं। तब तक मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से अपने घर में गणपति बाप्पा के लिए ये फ्रेश कोकोनट बर्फी बनाइए। यहाँ मैंने 200 ग्राम नारियल लिया है, फ्रेश कोकोनट है ये, इसको पतला पतला ग्रेट कर लीजिएगा। 1.5 कप दूध लिया है मैंने, यहाँ टोन दूध लिया है, आप चाहें तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। 1/2 कप चीनी ली है और 1/2 कप मावा लिया है और 2 टेबलस्पून घी। यहाँ कढ़ाई में मैं जो कोकोनट है उसको अच्छे से भूनूंगी ताकि उससे जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। यहाँ अच्छे से भूनिएगा। बिल्कुल आसान है ये बर्फी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाती है। इसलिए हमें तब तक और इसको बिल्कुल ना सिम पे भूनिएगा, बिल्कुल तेज़ आंच मत करिएगा। यहाँ भूनते भूनते हमें इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इससे देखिए ये ड्राई सा होने लगा है और इससे बिल्कुल भी जो मॉइस्चर है वो हट चुका है। अब हम यहाँ पर मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के बाद आप फ्लेम जो है वो हाई पे कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप संभाल सकते हैं उतना कर सकते हैं। यहाँ हमें फ्लेम लो पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें दूध को अच्छे से इसके अंदर सुखाना है। बहुत अच्छे से, बहुत ही जल्दी अराउंड 8 या 10 मिनट्स में ये दूध सूख जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 कप दूध बचा है, इसी वक्त हमें यहाँ पे चीनी डाल देनी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरे गैस पर रख देते हैं, हम तब तक मावा भून लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने डाल दिया है मावा। मावा अगर आपने घर पे बनाया है तो जब आप ऑलरेडी मावा बना रहे हो तभी आप भून के रख लीजिए, और अगर ये मार्केट का है तो आप इस वक्त अच्छे से भून लीजिए। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा मावा भूनिएगा अच्छे से, और जब हमें मावा का थोड़ा थोड़ा सा कलर भी चेंज करना है। हार्डली 3 से 4 मिनट में हमारा मावा भून जाएगा। यहाँ देखिए मावा इकट्ठा हो चुका है और मावा का कलर भी बदल चुका है। यहाँ हमारा मावा रेडी है। यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने गैस पे रख दिया था ना दूध और चीनी सूखने के लिए, वो भी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अगर आप सेंटर करेंगे देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है, उसको भी 1 मिनट और करेंगे तो वो भुन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जा चुका है। अब जो मावा हमने डाला था हम यहाँ पे वो मावा डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। मावा अगर आपने पहले भून के रखा है और वो ठंडा हो चुका है तो ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको अच्छे से ग्रेट करके डालिएगा, क्योंकि मैंने मावा अभी भुना था, मावा गर्म था, इसलिए मावा मैंने ऐसे ही डाल दिया और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है। यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून जो देसी घी लिया था वो डाल दिया है। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मावा ये ध्यान रखिएगा लम्प फॉर्म ना करे। ये देखिए साइड साइड से बिल्कुल घी छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये मिक्सचर हमारा अब तैयार हो चुका है। अब हमें इसको सेट करना है, इसको अच्छे से भूनिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि साइड साइड से घी ज़रूर आ जाए पहले। अब हम इसको एक ट्रे में जो कि मिठाई वाली है उस पर सेट कर रहे हैं, आप किसी और चीज़ में भी सेट कर सकते हैं। मैंने नीचे घी से ग्रीस कर दिया था और अब मैं मिठाई अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से दबा दबा के करिएगा, क्योंकि जो कोकोनट बर्फी होती है ना वो कटती बहुत अच्छे से नहीं है, क्योंकि इसमें रेशे हैं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कटेगी। आप चाहें तो आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं या आप चाहें तो इसका मोदक भी बना सकते हैं गणपति बाप्पा के लिए। और इसको अच्छे से सेट करके हमें कम से कम 5 घंटा रखना है, लेकिन फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है। यहाँ मैंने बादाम डाला है, आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ अब मैं इसको 5 घंटे के लिए सेट होने रख दे रही हूँ। यहाँ 5 घंटे हो चुके हैं और हमारी बर्फी तैयार है। यहाँ मैंने सिल्वर फॉइल ले लिया है, जो चांदी का वर्क हम लगाते हैं ये वो है, आप चाहें तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक लुक देने के लिए है, ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़रूरी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। बड़े आराम से कट होता है क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी यमी है कि मैं क्या बताऊं। आप अगर चाहें, अगर आप इसको लड्डू में फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा पहले और उसके बाद लड्डू का फॉर्म बना लीजिएगा और फिर सेट हो करिएगा। यहाँ देखिए ये बर्फी तैयार है, थोड़ा सा शेप आगे पीछे रहेगा
क्योंकि ये बर्फ़ी बहुत सॉफ्ट है। यहाँ मैंने सारी बर्फियाँ काट ली हैं, गणपति बप्पा का इंतज़ार है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि कैसा बना। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी और बहुत सारी डिशेज़ आपके पास लाती रहूँ। थैंक यू।